लेयरिंग हुई हुई है इसके स्लीव्स पे, ये हल्का सा जो है गोल्डन, गोल्डन नहीं कॉपर और सिल्वर सा थोड़ी सी। नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। इधर मैंने अभी की थी थोड़ी देर पहले अपनी स्किन केयर, ऑलमोस्ट 1.5 मंथ हो गया था, तो आई थॉट आज मैं अपनी स्किन को जो है ना प्रॉपरली क्लेंस करूँ, और साथ में हल्की सी ब्लीच भी की है मैंने। और आज मैंने ये ड्रेस निकाला है पहनने के लिए, वाइट कलर, ऑफ वाइट कलर का ये खाड़ी का ड्रेस है, इस पर ये डिटेलिंग हुई हुई है इसके स्लीव्स पे, ये हल्का सा जो है गोल्डन, गोल्डन नहीं कॉपर और सिल्वर सा थोड़ी सी, इस पर एम्ब्रॉयडरी सी हुई हुई है, इसके नेक लाइन पे भी सेम, ये बटन्स मैंने इस पर खुद लगवाए थे, और ये इसका दामन है, बाकी ये सेल्फ प्रिंट में सारा, और ट्राउज़र पे मैंने इसके इस तरह से डिटेलिंग कराई हुई है। अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है, ये इस तरह से जो है ट्रायंगल्स बने हुए हैं इसके अंदर, क्लोजली मैं आपको दिखाती हूँ कि ये लाइन्स लगा के और बीच लगाए हुए हैं, ये इसको दिया हुआ है, और इसका बाकी प्लेन सिंपल स्ट्रेट पैंट्स हैं इसकी साथ, और ये है इसका दुपट्टा। बस अभी मैं आपको बाकी की वीडियो दिखा दूँगा, फिर मैं रेडी होऊंगी, और उसके बाद आई एम गोना गो एंड पिक अप माय किड्स। इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और मैं यहाँ पे प्रिपेयर कर रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट, कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन भूख भी लगी हुई थी और मुझे कुछ हल्का फुल्का और मज़ेदार सा खाना था, तो मेरे पास यहाँ पे ये रखे हुए थे मिनी बंस, और मेरे पास साथ में था ये पक्का स्ट्रॉबेरी जो है स्प्रेड, ये मैं सऊदीया से लेके आई थी, बिंदाउत से मुझे मिला था, वहाँ से मैंने बाय किया था और ये पैक रखा, तो आई थॉट कि आज मैं इसको यूज़ करूँ। ये मैंने बना के इस तरह से इसका सैंडविच सा बना लिया था स्प्रेड लगा के, और साथ में मैंने अपनी प्रिपेयर कर ली थी कोल्ड कॉफ़ी, आई एम इन लव विथ कोल्ड कॉफ़ी नाउ डेज। तो ये था, हो गया था मेरा ब्रेकफास्ट, सुपर सॉफ्ट और बिल्कुल जो है ना उस पर किसी किस्म की कोई जो है डिटेलिंग नहीं होनी चाहिए, सिंपल होना चाहिए। इस पर हल्की सी कॉटन की ही क्रोशिया की लेस लगी हुई है, ये इसकी शर्ट है इस तरह से, और ये इसकी स्लीव्स है, थोड़ा स्टाइलिश है, आपको रात को भी लग्जरी फील होना चाहिए ना सोते हुए, यू शुड फील सुपर कम्फी एंड सुपर लग्जरी, और बस जो है नाइट सूट आपका बिल्कुल जो है ना सुपर कंफर्टेबल होना चाहिए। और ये है नेक्स्ट नाइट सूट जो मैंने अभी रिसेंटली जेनवन से लिया है, 50% ऑफ उनकी सेल लगी हुई थी, ये इसकी शर्ट है स्लीप हैप्पी वाइट कलर की, और मैं जो हूँ नाइट वेयर्स में जो है ना लूज, जितना लूज हो सकता है मैक्सिमम वो साइज़ लेती हूँ, नॉर्मली मैं मीडियम साइज़ पहन रही होती हूँ, बट इसमें भी मैंने एक्स्ट्रा लार्ज प्रेफर किया है। ये शर्ट है इधर से इसलिए, और अंदर भी ना इसके नेक के बैक पे ये हल्का सा पैच लगा हुआ है लाइनिंग जैसा इसका, ये इसका ट्राउज़र है बेसिकली, साथ में ये है इट्स ट्राउज़र। कॉटन के नाइट वेयर प्रेफर किया करें, या सिल्क में अक्सर ही होता है आपको स्वेटिंग होती है, तो वो सिल्क के नाइट सूट में फ़ौरन से जो है आई फील लाइक के स्मेल आना शुरू हो जाती है स्वेटिंग की, वो डेली तो ऑब्वियसली आपने चेंज करना होता है, बट स्टिल वो गर्मियों में मुझे कंफर्टेबल नहीं रहता, सम विंटर्स में ठीक होता है सिल्क का, वो भी है मेरे पास, इफ़ यू वांट टू सी वो मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में दिखाऊंगी। और विंटर्स के जो नाइट सूट्स हैं वो टोटली डिफरेंट हैं, वो भी बहुत ही मज़े के लग्जरियस किस्म के हैं, मेरे पास लोकली बाय किए हुए हैं मेजोरिटी ऑफ देम मैंने, लेकिन इफ़ यू वॉन्ट टू सी लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। ये शर्ट है, समटाइम मैं मिक्स एंड मैच भी कर रही होती हूँ, मैं शर्ट्स ले लेती हूँ खाली, और कोई भी उसके साथ जो ट्राउज़र घर पे मेरे पास पीजे होता है, बेसिकली किसी भी नाइट सूट का ट्राउज़र अवेलेबल होता है मैं वो पहन लेती हूँ। तो ये है नेक्स्ट शर्ट, ये मैंने रिसेंटली सफ़ायर से ली है, एंड इट कॉस्ट मी 1080 की ये शर्ट थी, और ये रैंडमली मुझे शर्ट पसंद आई थी येलो कलर की, मैंने ले ली, अब इसके साथ मैं कोई भी ट्राउज़र जो मेरे पास घर पे अवेलेबल होगा ऑलरेडी नाइट सूट का वो पहन लूँगी। उसके बाद इधर आ जाएँ, ये आउटफिटर्स की अगेन सिंपल शर्ट है, ये थोड़ी सी जो है ना मुझे नाइट सूट के हिसाब से तंग करती है, क्योंकि ये जो इस पर डिटेलिंग हुई हुई है नेक लाइन पे हल्की सी, ये मुझे समटाइम्स रात को इरीटेट करती है, चुभती है नेक पे, तो वो बट बहरहाल बाकी इसका स्टफ बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही कम्फर्टेबल है, ये मैं काफ़ी अर्से से पहन रही हूँ,
आपको कलर्स इस वक्त कैमरे की लाइट की जैसे कुछ डल नज़र आ रहे हैं। दिस इज़ वन स्पीच, वो प्योर येलो कलर था जो इससे पहले मैंने वो दिखाया था, दैट इज़ अ पर्पल वन। इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाएँ, ये मैंने रिसेंटली सऊदीया से बाय किया था, टू पीस है ये भी, अगेन सिंपल टी शर्ट है ये, और ये इसके साथ प्रिंटेड ट्राउज़र है, ये भी सुपर कंफर्टेबल, बहुत ही सॉफ्ट कॉटन में है, बिल्कुल प्लेन है, और ट्राउज़र इसका स्ट्रेट, इस तरह से स्ट्रेट पैंट्स हैं, स्ट्रेट ट्राउज़र है इसका, सुपर कंफर्टेबल। उसके बाद एक बस ये ट्राउज़र और है, क्योंकि मैंने रिसेंटली ये अभी बाय की थी, मैं आपको दिखाना ही था, तो मैंने कहा आपको सारी नाइट वेयर कलेक्शन क्यों ना दिखा दूँ। इट्स अगेन इन पीच कलर, ये सिंपल ट्राउज़र है, आप किसी भी शर्ट के साथ इसको मिक्स एंड मैच करके पहन सकते हैं, लाइक दिस वन, अगर समटाइम्स आपका ये मूड ना हो इसके साथ ये लाइनिंग वाला ट्राउज़र पहनने का, तो आई कैन शिफ्ट इट, इसके साथ भी ये बहुत अच्छा लगेगा। ये भी मैंने लोकली शाहीन की जो है शॉप उधर से लिया है, डिवॉटसन या शाहीन F6 में जो शॉप है उससे लिया है ट्राउज़र। ये बहुत ही सॉफ्ट है, क्योंकि इनका एक ऑलरेडी मैं लेके आई थी, वो यूज़ कर रही थी, मुझे वो अब ख़राब हो गया था, पुराना हो गया था, तो ये मैंने न्यू बाय किया है। मेरा कंफर्टेबल रहती हूँ बिल्कुल जो है ना घर में, अगर आपने कहीं आना जाना नहीं है तो आई एम कंफर्टेबल इन माई पीजेस नाइट सूट में। सो ये है मेरी छोटी मोटी सी नाइट सूट की कलेक्शन। अब चलते हैं बाकी की वीडियो की तरफ। रेडी स्टडी गो होके मैं आ गई हूँ यहाँ किड्स को पिकअप करने, बच्चों को पिकअप करने। पहले मैं अरजान को पिक करूँगी, फिर अनाया को पिक करूँगी, और फिर मैं घर जाऊँगी। और मुझे लगी हुई थी साथ में शदीद किस्म की भूख आने से पहले, तो मैंने क्योंकि सुबह नाश्ता भी बिल्कुल हल्का सा लिया था, तो मैं यहाँ पे अपने लिए साथ जो है ना फ्रूट कट करके गाड़ी में ही ले आई थी कि मैं गाड़ी में ही सुकून से बैठ के खा लूँगी जितनी देर अरजान आएगा। पार्किंग में वेट कर रही होंगी तो मैं फ्रूट्स कट करके खा लूँगी। आजकल मेरा ड्राइवर जो है छुट्टी पे, अदरवाइज़ ड्राइव वो करता है, मैं नॉर्मली ड्राइव नहीं करती, बट नाउ डेज मजबूरी है तो मुझे ड्राइव करना पड़ रहा है। यहाँ पे मैं लेके आई थी पीचेस, बनानास, एप्पल कट करके, और ये मेरा दोपहर का हल्का फुल्का सा लंच हो गया था। अब मैं जा रही हूँ अनाया को पिक करने, नहीं ये वापसी का क्लिप है जब मैंने अनाया अरजान दोनों को पिक कर लिया एंड बैक टू होम। अब घर आते ही शदीद किस्म की भूख लगी हुई थी बच्चों को, सो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ था जो है चना पुलाव, काबली चनों का पुलाव, और ये सालन मेरी देखी को मत देखिएगा गंदी हो रही है, और साथ में मैंने आलू चने का सालन बनाया था, वो थोड़ा सा ओवरफ्लो हो गया था तो देखी गंदी हो गई थी, अदरवाइज़ मैं साफ़ सुथरे रखती हूँ चीज़ें, बिलीव मी। तो है यहाँ पे मैं ये चना पुलाव भी निकाल रही थी अपनों लिए और बच्चों के लिए, मैंने थोड़ा सा ही खाया था, अरजान ने माशाल्लाह खूब खाया, ठीक खाया था, और अनाया ने भी इसको बस चखम चुकी की थी। सो मैंने ट्राईपॉड पे इस वक्त जहमत नहीं की मोबाइल लगाने की, बिकॉज आई वॉज सुपर टायर्ड। ये मेरा थोड़ा सा रेस्ट टाइम होता है, और खाने के बाद कैलूला लेती हूँ मैं ज़रूर। ये देखें पुलाव की शक्ल कितनी खूबसूरत है, और बस यहाँ बैठ के मैं हम तीनों जो है खाना खाएंगे, थोड़ी सी स्कूल की गपशप करेंगे, अरजान अनाया से रूटीन पूछूंगी क्या क्या किया स्कूल में, बस वो अपडेट लूँगी, और साथ में जो है ना मेरी थोड़ी सी वीडियो की एडिटिंग अपलोडिंग रह गई थी, और उसके चीज़ें टाइटल शाइटल डालना था, तो वो मैं यहाँ पे कर रही थी, साथ में खाना खा रही थी। ये है एक वीलॉगर की लाइफ। अभी हो रहे हैं रात के 10:30, फाइनली माय अनदर डे कम्स टू एन एंड। ये मैं आइसक्रीम हम लोगों ने खाई थी अभी थोड़ी देर पहले, इसको मैं किचन में पहुँचाती हूँ चीज़ों को, और मैं भी जा रही हूँ अब सोने के लिए। ये आ गई मैं किचन में ही रखने के लिए, थोड़ा सा मैं ये क्लीन करूँगी ताकि सुबह उठते ही घर जो है बिल्कुल अनटाइडी ना लगे, मैं थोड़ा सोफ़ा शोफा सेट करूँगी, बाकी क्लीनिंग जो है मैं सुबह में ही करती हूँ, क्योंकि जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो बॉम्ब फटा होता है उसके बाद भी अभी ना, तो बच्चों की वाटर बॉटल्स भी किचन में पहुँचानी है। अनाया सो चुकी है, अरजान जागा हुआ था, मैं भी देखती हूँ जाके उसको कि उसने नमाज पढ़ी है कि नहीं, नमाज नहीं पढ़ी तो नमाज पढ़े एंड ही शुड स्लीप एज वेल। मैं ये लैपटॉप की चार्जिंग भी लगा दूँ सुबह उठ के, मैं फटाफट से एडिटिंग कर दूँ। ये अनाया का एक फॉर्म रह गया था वैक्सीनेशन वाला, साइन होना, ये साइन कर दूँ मैं, रख दूँगी उसको।
एक दफ़ा मैं घर के लॉक्स वेरीफाई कर लूँ कि घर लॉक। उमेर नॉर्मली यूजुअली ये काम करते हैं, यूजुअली नहीं हमेशा करते ही उमेर है। आज जो है उमेर जल्दी सो गया, सो मैं आई एम हेयर टू लॉक माई डोर्स। सो यहाँ से मैं करती हूँ आज की वीडियो एंड, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मज़ेदार चीज़ों के साथ। अनटिल दैट टाइम बने रहिएगा, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। ये देखिए आप अगर नज़र आ रही है तो इतनी खूबसूरत इस वक्त यहाँ पे चंबेली की खुशबू आ रही है, चंबेली चंबेली हुई है ये सारी पीछे दरख्त पे, और इट स्मेल्स अमेजिंग। और चांद भी कितना खूबसूरत लग रहा है ना, ब्यूटीफुल। और थोड़ा सा वेदर में स्लाइटली डिफरेंस है, बहुत नहीं है, लेकिन इस वक्त अच्छी सी एक हवा चल रही है, साथ में ये चंबेली की खुशबू, इट्स सो अमेजिंग। एनीवेज यहाँ पे वीलॉग एंड करती हूँ आज का, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।